नमस्कार दोस्तों, मैं उमा शंकर। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का वेलकम है। आज हम बाहर मार्केट का तीखा लाल का जो रेड चिल्ली है इसके बारे में और आरसीएम का स्वेच्छा रेड चिल्ली है, ये दोनों जो प्रोडक्ट है किस तरीके से बाहर मार्केट में और क्या क्वालिटी है, ये सारे चीज़ों पर हम बात करेंगे आज की इस वीडियो में। तो चलिए, वीडियो को आपको अंत तक देखना है कि किस तरह से ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। और अच्छा लगे तो चैनल को इस लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम बात करना चाहते हैं सबसे पहले आरसीएम की रेड चिल्ली। हाल ही में का प्रोडक्ट की मैं इसकी एमआरपी की बात करूं तो 100 ग्राम का 83 रुपये इसकी एमआरपी है। और अगर आप आरसीएम का एसोसिएट बायर हैं तो आपको ये मिलता है, सिर्फ आपको मिलता है 54 रुपये में आपको ये मिलता है। उसके साथ साथ आप 32 आपको इसमें तीखा मिलता है। अब बाहर मार्केट की तीखा लाल का जो रेड चिली है इसके बारे में बात करते हैं। देखिए कि दोनों में तीखा लाल का जो रेड चिली है इसमें भी लिखा गया है पीछे में कि इसमें किसी तरह का प्रिजर्वेटिव नहीं मिलाया गया है। उसके बाद आरसीएम का जो पीछे आप पलट के देखेंगे तो इसमें किसी भी तरह का एसिड टॉक्सिन नहीं लिखा है। तो उसके बाद हम इसको इस रेड चिली को बहुत दिनों से यूज करते आ रहे हैं। अब इसकी क्वालिटी की हम बात करते हैं। क्वालिटी क्या है इसमें कि क्वालिटी ये है कि हमारी जो रेड चिली है ऐसे क्वालिटी से बना हुआ है। इसका जो मिर्च होता है उसकी मिर्ची के जो परत है उस परत को इसमें डाला हुआ है। बाकी जो बीज है और उसके डंठल है उसको बाहर निकाल लिया जाता है। लेकिन बाहर मार्केट में क्या होता है साथियों, जितने भी ब्रांड है, जितने भी आपका कंपनी है, वो क्या करती है उसके परत के साथ साथ बीज और डंठल सभी को पीस देती है। लेकिन ऐसे ब्रांड जो होते हैं, कई ब्रांड होते हैं, वो डंठल निकाल देते हैं, बीज और परत को क्या करते हैं, वो सबको दोनों को एक साथ पीस देते हैं। तो होता क्या है साथियों, अगर ज़्यादा तरीके से आप अगर रेड चिली का इस्तेमाल करते हैं तो आपको नुकसान हो सकता है। क्योंकि एक न्यूट्रन के भांति काम करता है। हम थोड़ा थोड़ा सा हम क्या करते हैं, इसको हम कंज्यूम करते हैं और सब्जी में स्वाद लाने के लिए हम इसका यूज करते हैं। तो ज़्यादा मात्रा में अगर यूज करते हैं तो आपके लिए ये खतरनाक हो सकता है। अब किस तरह से खतरनाक हो सकता है, आपके पेट में जलन हो सकती है, एसिडिटी बन सकता है, अल्जाइमर हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें अगर ज़्यादा यूज करने से हो सकता है। बाहर मार्केट का जो चिल्ली पाउडर है, जैसे कि तीखा लाल का मैं बात करूं, यहाँ पर रेड जो चिल्ली है 99 रुपये इसकी एमआरपी है। फिर भी आप देखते हैं सारे लोग इसी ब्रांड के ऊपर में जाते हैं। जिस तरह से उसकी क्वालिटी होगी उस तरह से उसका एमआरपी होगी। लेकिन बाहर मार्केट का किस तरह से बना है वो मैं नहीं जानता, लेकिन आरसीएम की जो कंपनी है वो रेड चिल्ली को इस तरीके से बनाया जाता है कि उसके परत को ही डालते हैं। और क्योंकि स्वास्थ्य मिशन पे काम कर रहा है इसलिए वो डंठल और बीज को क्या करती है, बाहर फेंक देती है। क्यों बाहर फेंक देती है, क्योंकि स्वास्थ्य एक मिशन है, स्वास्थ्य एक उद्देश्य है, स्वास्थ्य रक्षा एक उद्देश्य है इस कंपनी का। क्योंकि जो बीज है वो पथरी अल्जाइमर बहुत सारी बीमारियों को क्रिएट करता है, इसलिए इसको बाहर कर दिया जाता है। अब चलिए जानते हैं, ये देख सकते हैं ये 100 ग्राम का है हमारे पास और मैंने बताया आपको आरसीएम का एसोसिएट होते हैं तो आपको ये मिलता है, ये आपको मिलता है 54 रुपये में मात्र। उसके साथ साथ ये चिल्ली पाउडर आपको बिल्कुल भी ज़्यादा तीखा नहीं लगेगा। आपके स्वाद के अनुसार आपका जो सब्जी है उसमें तीखा लगेगा। इस तरीके से इसकी क्वालिटी है और इसकी एमआरपी है।